कोपलो गांव की रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा गैंग रेप का शिकार हो गई। 5 दरिंदों ने मिलकर छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया। ऐसे में सरकार के एक भी नुमाइंदे इस पीड़ित छात्रा की सुध लेने आगे नहीं आए, जबकि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल घटनाक्रम की सूचना पाते ही सक्रिय हुए और अपने सदर विधानसभा क्षेत्र के साफ प्रतिनिधि सा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री विशाल वाल्मीकि और अपने मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी को सक्रिय कर दिया, जिनके प्रयास से सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में भर्ती कराकर इलाज कराया जा सका। खुद विधायक देर शाम को रांची से हजारीबाग लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से मिलकर उसकी सुध ली। पीड़िता और उनके परिजनों को आश्वस्त किया कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। दो चीज से गाइडेड होता है, अगर किसी आदमी को लगे कि हम अपराध करके अगर निकल सकते हैं तो अपराध होता है। अभी आप देखेंगे इस समय में डकैती, बलात्कार, उग्रवाद की घटनाएं सभी चीज बढ़ी है। ये बेसिकली जो है, अगर आप इसको कुल मिला के समाप्त करेंगे तो सरकार के विश्वसनीयता पर ये प्रश्न है कि लोग जो है सरकार को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। लोगों को ऐसा आस्था है कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, कार्रवाई नहीं होगी, और बहुत सारे केसेस में ऐसा हो भी रहा है। लेकिन हम लोग इस केस में अपना पूरा वॉच रखें।